नमस्कार प्रशिक्षकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे मित्र तो इस समय इंतजार कर रहे होंगे कि एनसीईआरटी का सर एसएसटी आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़े से गले में प्रॉब्लम है और कल आपका लास्ट जो मैथ का एनसीईआरटी था वो हमने फिनिश कर लिया। तो आज आपके क्लास ना ही दोपहर वाले आए हैं ना ही या रात वाला 9:30 बजने वाला एनसीईआरटी वाला, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज हमने सोचा कि क्लास को ऑफ क्यों किया जाए, बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। तो ये आज के नोटिस हैं, ये आपको बहुत ही अनुमानित जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है यहाँ पे, और एक मतलब कि जो चीज़ें सच में हाँ हैं आपको जानना चाहिए उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो आज एक ऐसे ही चीज़ हमको देखने को मिला वेबसाइट पे कि सीटेट ने अपना जो पिछले साल का पेपर उन्होंने अपलोड किया तो वही डिलीट कर दिया, वहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो इसके पीछे क्या उसके एक तरह से एम है, क्या वो करना चाहता है, उन सब के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है कि इस बार सीटेट मैक्सिमम बच्चे पास होंगे, है ना, और फॉर्म की संख्या इतनी तगड़े रूप से आई है कि पिछली बार की अपेक्षा, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसकी अपेक्षा, इस बार बच्चे काफ़ी ज़्यादा यानी कि फॉर्म तेज़ी से फिल किए हैं, यह चीज़ें निकल के आया है सामने। तो आपको पूरा जिक्र करेंगे और इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मेरे पास कुछ नोटिस भी हैं, तो उसको हम पढ़ के आपको सुनाएंगे भी ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि एक दूसरी चीज़ क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, डीएलएड में आउटर लिमिट मामले में एनसीईआरटी व सरकार में जवाब तलब, सुनवाई 25 मई को है, यह उन बच्चों के लिए है, यह किस प्रकार से सीटेट आसान होगा इसके लिए हम आपको बताएंगे यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले यानी कि जिन्होंने 3 बार एग्जाम दे लिया है फिर मतलब बैक लग गया है, तो उनके लिए क्या कुछ है, बहुत ही एक तरह से फैक्ट है, उसको हम देखेंगे और सुनेंगे। आज एक आर्टिकल में ये भी छपा था इनके लिए भी। और दूसरी तरफ यह है डीएलएड खत्म होगा क्या, इसके रिगार्डिंग भी आपको पता है कि जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाला 2020 का, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पहले भी बात किया गया है, थोड़े और बात कर लेते हैं। देखना, सीटेट क्यों आसान होगा, लोग ये कह रहे हैं ना, और यह नोटिस भी मतलब एक तरह से अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, और एनसीईआरटी जो आपका है ये चीज़ें मतलब कि चीज़ों को अपने आप को खोल रही है। देखिए, पहले तो एनसीईआरटी ने जब 2021 में एग्जाम लिया था दिसंबर महीने में, तो वह एक तरह से कह लीजिए कि स्टार्टिंग था उसका ऑनलाइन कराया जाना। फिर उसके बाद उन्होंने 2022 में एग्जाम लिया, एक तरह से दिसंबर में कराया गया उसका, दिसंबर जनवरी 2023 तक उसका, अभी फिलहाल में 1-2 महीने पहले रिजल्ट आया है, और इतने तेज़ी से एनसीईआरटी पे प्रेशर बना कि आप फिर से जुलाई में एग्ज़ाम कराओ, और एग्ज़ाम 2 बार होना ही होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मेंशन है हमारे गाइडलाइन में। तो उन्होंने फिर से एग्ज़ाम कराना शेड्यूल कर दिया, और इस बार इतनी तेज़ी से फॉर्म सबमिट हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और इस बार मैक्सिमम बच्चे लगभग नहीं तो 15 लाख तो हो ही जाएंगे बच्चे, इतने बच्चों ने फॉर्म भरना है, सोच सकते हो। अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ, फिर से एग्ज़ाम होने वाला, बच्चे फॉर्म फिल किए, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है ना ही इससे कोई बहुत बड़े जॉब मिल जाएंगे बच्चों को, लेकिन बच्चों के मन में जो तबादली है और बहुत अच्छे मार्क्स की होड़ मची हुई है कि हमें लाना है, उस वजह से बच्चे फिल करते हैं मैक्सिमम बच्चे, वो भी जो पास हुए होते हैं कुछ मार्क्स से, मतलब जिनका पासिंग होता है SC ST OBC का 82 और जो जनरल वाले बच्चे होते हैं 90, सिर्फ पास हुए होते हैं 1-2 नंबर आगे पीछे होते हैं, तो वह फिल करते हैं कि मेरा अच्छा मार्क्स आ जाए, इस वजह से थोड़ी सी संख्या ज़्यादा होती है। और वहीं पर यह देखा जा रहा है कि जो सीटेट का वेबसाइट है उस पर जो पिछले साल के पेपर थे ना उसे हटा दिया गया, बल्कि उनको यह करना चाहिए था जो पेपर हुए थे अभी पिछले बार दिसंबर में 2022 के इंड में और 2023 के जनवरी में गया था ना, तो वह चीज़ें भी अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन वह हटा दिए। इसके पीछे एक रहस्य निकाला जा रहा है कि भैया देखिए, अनुमानित चीज़ें हैं, अब कोई लोग इसको लेके बहुत बखेड़ा नहीं खड़ा करना है ना, ये एक अनुमानित चीज़ है। यह रहस्य निकाला जा रहा है कि जैसे जिस प्रकार से UPTET वाला जब पेपर आउट हुआ था तो उस समय जब चीज़ें निकल के आई थी सामने, वही पेपर हूबहू चीज़ें हमको देखने को मिली थी कि नहीं बताना जरा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत तोप चलाए गए कि नहीं पेपर हटना चाहिए, पेपर नहीं ऐसा होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन नहीं मैच करने चाहिए, आपने कैसे रिपीट कर दिया पेपर को। तो यह चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि 2021 में जब पेपर हुआ था कम से कम 42 सेट 43 सेट ऐसे कुछ हुआ था, देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और पिछली बार वाला भी 25-30 सेट हुआ है, 30 जितना भी सेट हुआ है, इन सेटों को मिलाकर उनको अपलोड करने चाहिए थे पेपर, जिससे बच्चे प्रैक्टिस करते उसको देखकर, यहाँ इस टाइप्स के पेपर ऑनलाइन में आ रहे हैं। तो अब वहाँ से हटा देने का तात्पर्य यह निकलता है कि इनके पास समय ही नहीं बचा है, क्योंकि इतने दिन अभी रिजल्ट निकाले हुए
फिर उसके बाद ये चले गए किस पे, एक तरह से दूसरे एग्जाम को शेड्यूल कर दिए, नेक्स्ट एग्जाम को शेड्यूल कर दिए जुलाई वाले। तो इनके पास इस बीच समय नहीं मिला है कि पेपर को अब बना पाएँ, क्योंकि बच्चों की संख्या पर्याप्त है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में सभी जिले जो हैं कि सीटें जो है बुक हो चुकी हैं, मात्र कुछ ही गाजियाबाद शायद इस समय खाली है बस, और सारी सीटें मतलब हर जगह की सीटें बुक हो चुकी हैं। पिछली बार सीटों की संख्या थोड़ी सी अपर्याप्त थी तो बाद में बढ़ाया गया था, इस बार चांस कम है कि बढ़े। तो बच्चों के मन में एक मतलब एक यह संकल्पना बन जानी चाहिए कि पेपर हटाया जाने का मतलब यह हुआ कि पेपर हो सकता है हूबहू उसी में से छाप दिया जाए। तो एक चीज़ दिमाग में रख लेना, जो 2021 का सेट है ऑनलाइन जो कराया गया था और जो 2022 का सेट भी हाल ही में दिसंबर जनवरी में हुआ है, अगर यह दोनों सेट आप ऑनलाइन मार्केट मतलब खरीद लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएंगी। और पूरा चांस है, 99% हमारे तरफ से चांस है कि शायद वही पेपर हूबहू आपके सामने आ जाए, क्योंकि इनके पास समय नहीं बचा था कि ये पेपर छपवा पाएँ, पहले से तैयार नहीं थे, अचानक से एनसीईआरटी ने इन पर दबाव बनाया तो ये चीज़ें होने लगी, समझ रहे नहीं। तो ये चीज़ें आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, सरकार का अचानक दबाव बना एनसीईआरटी पे, तो ये चीज़ें सीटेट का मैक्सिमम मतलब जो है पेपर वहीं से आने वाला है, और वो चीज़ें इनके पास दबाव बनने के रिगार्डिंग आप देखेंगे तुरंत की वेबसाइट से पेपर ही हटा लिए, बल्कि इनको पेपर तो पुराना वाला अपलोड करना चाहिए था, लेकिन पेपर क्यों हटाया इन्होंने, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें तथ्य अगर देखें तो निकल के आ रहा है। आपको यह सोचना है कि हमें पिछले वाला पेपर कैसे अपने पास ले सकता हूँ, तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, किसी भी ई कॉमर्स कंपनियाँ जो हैं फ्लिपकार्ट अमेजन यहाँ से आप मंगवा सकते हैं, या फिर किसी मार्केट पे चले जाइए, बस सबसे अच्छा यही रहेगा। अगर आपने पिछले साल का पेपर दिया हुआ है तो जाएंगे मार्केट में, जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ जो हैं वहाँ से आप जब मंगवा लेंगे तो वहाँ पर आप मतलब देख नहीं पा सकते कि हाँ भाई इसमें यह चीज़ें नहीं थी पिछली बार, अगर आपने एग्जाम दिया हो थोड़ा बहुत याद होगा कि पेपर का लेवल कैसा था, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, या फिर किसी भाई साहब ने कराया होगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैच करके आप ले लें, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन पेपर में बहुत अच्छा नंबर लेकर आ सकते हैं आप इस बार, ठीक है भाई। ये चीज़ें थी, और दूसरी तरफ एक नोटिस आया है, डीएलएड में आउटर लिमिट मामले में एनसीईआरटी व सरकार में जवाब तलब, सुनवाई 25 मई को टाल दिया गया है। यह प्रत्यावेदन वाले भाई बहन के लिए है, इसके रिगार्डिंग एक नोटिस है, मतलब एक कटिंग है, वन सेकेंड, थोड़ी सी सेहत है ना, मतलब कि जवाब दे रही है, समझ लो जवाब क्या दे रहा है, मतलब कि बहुत दिनों के बाद मेरी सेहत ख़राब हुई है, और जब ख़राब होती है तो लंबे समय तक ख़राब रहती है, अब यह देखिए कब तक सही होता है, और गले में काफ़ी दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अंदर से, लेकिन फिर भी हम क्लास लेंगे कल से, घबराना मत। हाँ देखिए यह चीज़ें निकल के आ रही हैं, हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है, एक बार तो जो आपके गाइडलाइन में है एनसीईआरटी की गाइडलाइन में जो चीज़ें मेंशन हैं कि जो डीएलएड वाले मेरे भाई बहन हैं वो क्या काम करेंगे, एक बार तो फ्रेश पेपर देंगे, और दूसरी बार उनका अगर मान लीजिए बाय द वे बैक लगता है तो दो बार बैक दे सकते हैं, इसके बाद तीसरी बार के लिए कोई भी प्रावधान है ही नहीं आपके इस डीएलएड के अंदर, तो तीसरी बार आप मतलब एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तीन बार एग्ज़ाम दिए मतलब चौथी बार के लिए आपका कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी मैसेज नहीं दिया गया है उसके अंदर। तो आपके लिए जो संस्थाएँ थी जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया लखनऊ, और प्लस आपका यह पीएनपी हो गया, इन दोनों के रजामंदी से आपके पेपर चौथी बार कराए जा रहे थे, और दो बार से कराया जा रहा था जब 2011 से बीएड डीएलएड स्टार्ट हुआ डीएलएड, तो उसमें अगर देखा जाए तो दो बार पेपर करा रहे थे और दोनों मतलब चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन जमा करा रहे थे और एक बार एक्स्ट्रा एग्ज़ाम ले रहे थे। उसी बीच एक बच्चे ने FIR मतलब एक तरह से वहाँ FIR कर दिया कि भाई यह चीज़ें देखिए गलत हैं, कि जिनका एक में बैक है तीन बार से ज़्यादा मतलब तीन बार बैक है और चौथी बार के लिए आप जो एग्ज़ाम करा रहे हो सभी सब्जेक्ट पास केवल एक में बैक है तो उन बच्चों का एग्ज़ाम करा रहे हो आप, और जो ऐसे बच्चे हैं जिनका किसी और सेमेस्टर में एक बैक है लेकिन उसमें चांस बचा हुआ है और किसी अलग सेमेस्टर में जिसमें आप एग्ज़ाम ले रहे हो उन बच्चों का, उसी सेम बच्चे का जिसका एक में बैक है, समझ रहे हैं ना, दूसरे बच्चे का जिसमें बैक है उसमें चांस बचा है और एक ऐसा उसका पेपर है जिसमें चांस उसको नहीं बचा हुआ है, तीन बार वो अपना चांस खो चुका है, तो उसका एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो। तो इस बात को लेके बहस छिड़ी और यह चीज़ें कोर्ट में आया, और बाद में यह चीज़ें मेंशन है यहाँ पर कि भाई ये देखिए क्या मेंशन है, हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से डीएलएड कोर्स की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अवसर देने यानी कि आउटर लिमिट की बात करता है, एक्स्ट्रा चांस की बात करता है, मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा मांगा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की तरफ से दाखिल जवाबी हलफनामा पर असंतोष जताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है, कोर्ट ने एनसीटीई
से पूछा कि 2013 से 18 तक शुरू होने वाले डीएलएड कोर्स के सभी शिक्षा सत्रों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर देने पर उसका क्या स्टैंड है, क्या राज्य सरकार का यह निर्णय निर्धारित मानक के विपरीत नहीं है, परीक्षा की आउटर लिमिट बढ़ाने की छूट देने से पहले एनसीटी से अनुमति ली जानी चाहिए अथवा नहीं। कोर्ट ने क्या कहा भैया, कहा कि दोनों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया तो जवाबदेह अधिकारियों को तलब किया जाएगा। मतलब कि यह चीज़ें फिर से एससीईआरटी के अधिकारी और इसमें जो मैम है कोई और दूसरी तरफ जो आपके सचिव जी हैं उनसे जवाब मांगा जाएगा इसके बारे में कि भाई आपने एग्ज़ाम कराया फिर दोबारा एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रहे हैं, इसके पीछे इसको लेकर उनको बुलाया जाएगा, उनसे जवाब तलब होंगी और बाद में जो निर्णय आएगा आपको देखने को मिलेगा। यह चीज़ें फिर से उजागर क्यों हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द मेयर का जो चुनाव चल रहा है हमारे यूपी में यह 15 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, शायद 13 या 14 को इसमें मतगणना है, होने के बाद ये समाप्त हो जाएंगी चीज़ें। तो आपको मई के एंड तक चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी मतलब एग्ज़ाम देखने को मिल जाएँ, कुछ चीज़ें हो सकता है 15 तारीख के बाद ही हमको हलचल देखने को मिल जाए, एग्ज़ाम कब शेड्यूल हो रहा है यह चीज़ें। अब ऐसा तो नहीं है एग्ज़ाम डेट आते ही तुरंत एडमिट कार्ड दे देंगे, इसके लिए पहले इसके रिगार्डिंग निकालेंगे फिर 15-20 दिन बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है, यह चीज़ें होती हैं तो उसमें समय मिलेगा। तो यह चीज़ें होने वाली एग्ज़ाम, इस वजह से बच्चे के अंदर यह खौफ है कि सर चीज़ें फिर से प्रत्यावेदन वालों क्या होगा, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यह चीज़ें निकाली थी नोटिस और ये आपको देखने को मिल रहा है सामने। अब देखिए जो भी कोर्ट का स्टैंड होगा उसके अनुसार आपके कार्य होंगे, कोर्ट का स्टैंड अगर पॉजिटिव रहता है तो ठीक है, नहीं तो अगर निगेटिव जाता है, कम चांस है कि निगेटिव जाए, अगर निगेटिव जाता है तो उन बच्चों का भी कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे जिन पे स्टे लगा है उनके पे स्टे लगा ही रहेगा, उनको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो बच्चे प्रत्यावेदन जमा किए हैं उनका तो कैंसिल होना ही होना है, अगर ये चीज़ें एग्ज़ाम के पहले हो जाती हैं तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में आपके एग्ज़ाम इस बार नहीं कराए जाएंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ एग्ज़ाम दिसंबर वाले में कराया जाएगा। और कुछ बच्चों का कहना है, अभी मैं और बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम कब तक होंगे और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब तक होंगे इसके ऊपर मैं बात करूँगा। अब देखिए डीएलएड खत्म का एक नोटिस आया बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई है ना, डीएलएड की ख़त्म करने की बात नहीं किया गया है, जो हमारी पॉलिसी शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी 2021 है उसमें यह चीज़ें हैं कि भैया एक ही शिक्षा जगत का केवल एक ही चीज़ रह जाएगा लास्ट में, डीएलएड और बीएड में से केवल बीएड रह जाएगा, बीएड पे आधारित सारी चीज़ें होंगी, बीएड बेस्ड हो जाएगा डीएलएड के सारी जो चीज़ें हैं बुक सब बीएड जैसे हो, मतलब कि एक तरह से बीएड जो होगा डीएलएड जैसे हो जाएगा यह समझ लो, है ना, जो चीज़ें आप डीएलएड में पढ़ते हो वो चीज़ें बीएड में पढ़ने लगोगे और जो डीएलएड था वो बीएड के नाम से जाना जाएगा। ये चीज़ें थी पूरा का पूरा शिक्षा प्रणाली में जो आपका अभी आया हुआ है शिक्षा एक तरह से जो आपका एजुकेशन पॉलिसी 2021 में यह चीज़ें मेंशन है, और 2030 तक डीएलएड का और प्लस जो भी अदर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है डीएलएड बीटीसी वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, यह चीज़ें बताया गया है। अब उसी के परिपेक्ष में एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि ऐसे बच्चे थे, हम आपको नोटिस थोड़ा सा दिखा देते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड थे, मतलब सॉरी स्पेशल चाइल्ड कह रहे हैं, स्पेशल बीएड वाले धारी थे, स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएलएड, स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएलएड को ये चीज़ें को मतलब स्पेशल डीएलएड को बंद कर दिया गया, क्यों भाई, क्योंकि एक ही एजुकेशन पॉलिसी जो आपको कहता है 2020 केवल बीएड रह जाएगा, बस इस चीज़ को दिखाने के लिए जो आपका मतलब स्टार्ट हो चुका है चीज़ें, और धीरे धीरे यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि डीएलएड स्पेशल जो बच्चे थे स्पेशल एजुकेशन था डीएलएड एक तरह से अलग से वो चीज़ें बंद हो रहा है यहाँ पे ना, तो ये इसमें एक नोटिस है हम आपको बता देते हैं। देखिए बंद हो सकते हैं डिप्लोमा कोर्स, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी होगा बीएड, ऐसी बातें की जा रही हैं, तो वो तो चीज़ें हैं ही, जैसे कई राज्य ने अपना स्टैंड लगा दिया मतलब उस पर स्टॉप कर दिया, भैया अब नहीं लेंगे हम इसमें एडमिशन, और बंद होने का सेंस यह है कि जो स्कूल हैं जो कराते हैं जो कॉलेजेस डीएलएड जो कराते हैं उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा, या फिर जिनके पास है तो रद्द हो जाएगा मान्यता, यह चीज़ें हैं, बंद होने का सेंस यह है। अब ऐसा नहीं कि भाई चलो पकड़ के बंद करो इसको, तो यह चीज़ें नहीं है, मतलब कि संस्थाओं को जो मान्यता दिया गया था उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी स्पेशल के लिए, सिर्फ यह चीज़ें दिया गया है। इसमें लिखा गया नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव बच्चों की शिक्षण अधिगम और ढांचागत व्यवस्था के साथ साथ अध्यापकों के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक योग्यताओं पर भी पढ़ रहा है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों डिप्लोमा से डिग्री और उच्च स्तर के पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण आवश्यक है, यह चीज़ें मतलब समझ रहे हैं ना, बस चीज़ें बदल रही हैं, वह चीज़ें रियलिटी का जो रूप था ना वो बीएड के रूप में दिखने लगेगा, बस यह चीज़ें किया जा रहा है और यह शुरुआत हो चुका है।
अब एक चीज़ यहाँ पर बच्चों के मन में एक और डाउट आएगा, क्या यह चीज़ें शुरुआत जो हो रही हैं, जो ये चीज़ देख रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें बीएड और वैस बीटीसी मामले में क्या होने वाला है? जो बीएड और बीटीसी का सुनवाई चल रहा है ना, मतलब आने वाला है, जब भी आ जाए भाई, ये देखो प्रभु के भरोसे है, प्रभु श्री राम के भरोसे छोड़ा गया है, और सुप्रीम कोर्ट से चाहे जब ये चीज़ें निर्णय आ सकती हैं। भैया बीएड और बीटीसी के मामले में क्या होगा? अब इस चीज़ को ना, जो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना स्पेशल वाला, तो ये चीज़ें ज़रूर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ चीज़ें करेगी, है ना। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी के ना ही विरोध में हूँ ना ही किसी के पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारे घर में बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले से भी प्रेम है, बीएड वाले से भी प्रेम है, मैं किसी से झगड़ा क्यों करूँगा, दोनों को जॉब चाहिए, दोनों में से कोई एक जॉब पाएगा तब भी खुशी होगा, दोनों पाएंगे तो बेहतरीन खुशी होगा। अब आप समझ सकते हो क्या आप उसके विरोधी हो अपने परिवार का, या फिर अब क्या ही कहा जाए इस पे? तो अब यह देखना है कि डीएलएड बीटीसी के इस मामले को जो यहाँ पर निकल के आ रहा है सामने, इस पे क्या एक तरह से स्टैंड रहता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद यह निर्णय सामने आएगा, क्योंकि पॉजिटिव किधर है निगेटिव किधर है आप चीज़ें आप देख ही पा रहे हो। तो ये चीज़ें थी। अब रही बात भैया देखो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, इनका एग्जाम भैया इस बार कहाँ होगा, इस बार क्यों होगा ये बताओ, आपको ये चीज़ें पता नहीं है एग्जाम कब होगा? इस बार नहीं, दिसंबर में एग्जाम होगा सीधा सीधा भैया, इस बार फर्स्ट और थर्ड का एग्जाम होने वाला है। और दूसरी तरफ बात करें जो ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा मतलब अभी हाल ही का न्यूज है भाई, हमें बता देना चाहता हूँ, एक विद्यार्थी मतलब शिक्षिका हैं, भावी शिक्षिका हैं, और एक कोई भी पर्सन है वर्मा करके है, उसका नाम मैं उजागर नहीं करना चाहता हूँ, उन्होंने ग्रुप में मैसेज छोड़ा कि भैया आप देखो भाई, ग्रुप से उनको मैं ढूंढा बहुत ज़्यादा, मिले भी तुमसे बात और सारी चीज़ें। अब देखो उनको एक चीज़ें यहाँ पर हमने समझाया कि देखिए भाई, आप चीज़ें अगर सत्य हैं तो ठीक है करो, अगर लेकिन नहीं सत्य हैं, बच्चों को फंसाने की बात है, बच्चों से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, फिर पैसे ऐंठ रहे हो, उनको बुला रहे हो मिलने के लिए, तो ये चीज़ें गलत हैं ना, सदा सत गलत हैं। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं या फिर कहीं भी करवा रहे हैं, किसी को कर होते हुए देख रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा एक तरह से कदम उठाएं, नहीं तो बच्चियों के साथ मतलब हमारी बहनों के साथ थोड़ा गलत होता है इस चीज़ को लेकर, और वो चीज़ें फंस जाती हैं तो दिक्कत होती है, वो घर में नहीं बता सकती हैं इस बात को, क्योंकि घर वाले भी उनको डांटेंगे, क्योंकि लड़की है ना, लड़की हैं तो इसका क्या मतलब, माँ बाप को समझाओ, बहुत सारे माँ बाप जैसे आज हम हैं तो कभी ना कभी मत पिता तो बनेंगे भाई, समझ रहे हो कि नहीं, कभी मेरे भी बच्चे आएंगे, उनके वो भी बच्चियाँ भी होंगी, तो वह चीज़ें क्या हमसे छुपाएंगी, हम उसे छुपने नहीं देंगे, तो यह चीज़ें आने वाला जो पीढ़ी है ना, इसमें सुधार होगा, निश्चित रूप से सुधार होगा, बेटियाँ जो होंगी अपने पिता से खुल के सारी चीज़ें कह सकेंगी, और कहनी भी चाहिए इस चीज़ को, इससे कि छुपानी नहीं चाहिए, मान लो उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो वो क्यों नहीं कहेंगी भाई, निश्चित रूप से कहना चाहिए इस चीज़ को, जिससे बेटियां जो दबती हैं ना, ये चीज़ें अब खत्म होगी, क्योंकि बेटियां ही सारी चीज़ें कर रही हैं। अगर देखा जाए कई सारे घर ऐसे हैं जहां पर औलाद में केवल बेटे ही नहीं हैं, बस उनके पास बेटियां ही हैं, और बेटियां बिल्कुल बेटों से बढ़ के कार्य करती हैं, कहीं कहीं बेटे जो है कि माँ बाप को छोड़ देते हैं ना अंत में, कहा जाता है बेटियाँ छोड़ के जाती, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पर देखने को मिलती, लेकिन वही कहना चाहेंगे जो मेरे भाई इस तरह से कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि लाओ मैं आपका प्रत्यावेदन वाला करा दूंगा, आपका एग्जाम कहाँ से करा दोगे, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हुए हो, कहाँ से करा दो, अभी डिसीजन कुछ नहीं आया, कहाँ से करा दोगे, बताओ तो सही। और ऐसे इंसान से मिलना बहुत जायज़ है, समझ रहे हो ना, हम यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहते, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, नहीं तो कहीं और प्लेटफॉर्म पे अगर बात करना होगा तो हम आपसे बिल्कुल हर चीज़ में कर सकते हैं, मतलब जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से हम कर सकते हैं आपसे, और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट बहुत सारे धाराएं हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं कभी एग्जाम मतलब कभी मैं गवर्नमेंट में आ सकूं, तो ऐसी हरकत करना, फिर उसके बाद मेरे पाले पड़ जाना, उसके बाद सारी की सारी नसें जो है ना सब ढीली पड़ जाएंगी बेटा। इस चीज़ से थोड़ा सा मैं बचना चाहता हूँ, और इस वर्ड से मैं बचना चाहता हूँ जो यहाँ पर मैं बोला, और माफ़ी दीजिए अगर किसी को बुरा लगा होगा तो, लेकिन इस पर स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है हर एक का, इससे कि उनके साथ बुरा ना हो सके जिनके साथ बुरा हो रहा है। धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो को देखिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब यानी करिएगा, और शेयर करिएगा। धन्यवाद।